सतीश जांगिड फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा. टुडे नाउ आई विल बी डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रेम स्ट्रक्चर. EI वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल मेंबर्स. ऑल जॉइंट्स आर rigid joints. Step first, we calculate the fixed moment for all members. First, we see in this figure only span VC a couple 100 kN per meter acting anti-clockwise direction. Then first we take friction moment on span BC, MF BC equal to MF CB minus M0 upon 4, 100 upon 4 minus 25 kN meter in anti-clockwise direction. All the other members, here is no external loading applied on the member. Then no friction moment at this point. Then MFCD, MFDC equal to 0 and MFAB and MFBA equal to also 0 and MFEC is also 0. Step first. Now step second. Distribution factor, yeah, relative stiffness. सबसे पहले joint B consider करेंगे. Joint B से आपके दो member connect हैं, VC और BA. Joint BC, far end क्या है आपका, यहाँ fix है, तो fix के लिए 4EI upon L. यदि hinge होता है तो 3EI upon L होता. तो VA और BC आपके दोनों क्या हैं, सेम. रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी यहाँ पे क्या है, सेम है सभी मेंबर के लिए. तो जो आपके स्टिफनेस है वो क्या होगी, EI दोनों के लिए. सिमिलर जो अदर स्पान है आपके जॉइंट सी से कनेक्टेड हैं, जैसे BC, CE एंड CD, उनके लिए आपकी जो स्टिफनेस की वैल्यू है वो 4EI upon L, यानी कि लेंथ एल है 4EI upon 4 is equal to EI. तो आपके सभी के लिए, सभी मेंबर्स के लिए जो जॉइंट सी से कनेक्टेड हैं उनके लिए जो मॉडुलस और रिजिडिटी है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट होने से आपकी जो रिलेटिव स्टिफनेस आएगी, आपकी स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी, EI. देन टोटल स्टिफनेस एट जॉइंट बी 2EI एंड एट जॉइंट सी इज इक्वल टू 3EI. Now distribution factor is equal to stiffness upon total stiffness. Then for distribution factor for span VA equal to 0.5 and span VC is also 0.5. At joint C the distribution factor for each member is 0.33 and 0.33. Now next distribution of moment. Moment का जो distribution है वो अपन को करना है. Fixed end moments है आपके only B और C point पर. D A पर आपके जो moment की value है वो क्या है, 0. और जो E point है, E point पर भी आपके moment की value क्या है, 0. तो आपको जो moments है fixed end moment उसको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस. तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 25 है तो माइनस का 25 मोमेंट यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 0.33 मीटर में. तो आपका एक तो डी पॉइंट पर चला गया और एक आपके बी पॉइंट की तरफ चला गया. तीसरा है जो आपको चले जाएगा ई पर 0.8.33. तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस. और बी पॉइंट पर जब आपने बैलेंस किया, माइनस के 25 है, 25
तो आपको प्लस के 25 है, प्लस के 25 को 0.5 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ से 12.5 और 12.5 दोनों साइड में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अपन क्या करते हैं, कैरी ओवर, जो भी आपका फिक्स एंड है फिक्स एंड पर अपना क्या करते हैं, हाफ को कैरी ओवर कर देते हैं। तो 8.33 को आपको कैरी ओवर किया तो 0.416, 8.33 को आपने इधर भी कैरी ओवर किया बी पॉइंट पर 4.16, 12.5 को आपने कैरी ओवर किया सी पॉइंट पर 6.25, और 12.5 को कैरी ओवर किया हमने ए पॉइंट पर, वहां भी आपका 6.25। सी पॉइंट से हमने कैरी ओवर किया ई पर, तो वहां पर भी कितना है 8.33 कैरी ओवर 4.16। तो देखिए हमने कैरी ओवर कर दिया, कैरी ओवर करने के बाद में भी आपके जो सम करेंगे तो सम करने पर आपके जो बेंडिंग मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, फिर उसको आप क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर 2.08 माइनस 2.08 यानी 6.25 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पॉइंट डी की ओर, बी की ओर और ई की ओर सी पॉइंट से। तो 2.08 एंड सी पॉइंट पर भी आपका क्या गया माइनस 2.08। ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4.16 को बी से ए की ओर और बी से सी की ओर, तो 2.08 2.08। नाउ नेक्स्ट कैरी ओवर ऑफ द बैलेंस मोमेंट, जो बैलेंस किया है उसको हमने कैरी ओवर कर दिया माइनस के 2.08 को कैरी ओवर किया है माइनस के 1.04, और इधर भी आपने कैरी ओवर किया माइनस के 1.04 2.0, यहाँ भी माइनस के 1.04 एंड यहाँ भी आपके माइनस के 1.0, और सी से आपने जो ई पर ट्रांसफर किया है वो भी माइनस के 1.0। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये भी बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आपको प्लस के 1.04 करना पड़ेगा, प्लस के 1.04 किया है, 04 करने के बाद आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया 0.55 है, इसलिए यहाँ 0.52 यहाँ पे आपने माइनस के 1.04 को प्लस के 1.04 से बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद में 3 पॉइंटों पर आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट, सी बी और ई, 0.35 0.35 at point E 0.35, कैरी ओवर ले लिया 0.35 का 0.18, और यहाँ भी आपने कैरी ओवर ले लिया 0.18, यहाँ भी आपने कैरी ओवर ले लिया 0.18, यहाँ से आपने 0.52 का कैरी ओवर ले लिया 0.26, यहाँ से भी आपने कैरी ओवर ले लिया 0.26। अब देखिए 0.26 0.18 0.26, जब तक आपका दो डिजिट्स तक आपके कैरी ओवर जो बैलेंस है वो आपका इक्वल नहीं है, तब तक आपको क्या करना है, करते रहना है। तो यहाँ से आपको 0.18 को माइनस के 0.18 से आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने पर आप 0.5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने माइनस के 0.09 और माइनस के 0.09। सिमिलरली 0.26 है तो इसको माइनस के 0.26 से बैलेंस करके और माइनस के 0.26 को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डी ई और बी पॉइंट पर। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में पॉइंट माइनस के 0.08 और माइनस के 0.08 और पॉइंट ई पर आपके माइनस के 0.08। अब देखिए आपके जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आपके पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक आपकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इनका डी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। माइनस का साइन है उसको माइनस रखेंगे, प्लस का साइन है प्लस के रखेंगे, जो भी आपकी समेशन वैल्यू आएगी वो आपकी ए पॉइंट पर आएगी 5.46, बी पॉइंट पर 10.85, सी पॉइंट पर 10.85 सॉरी बी पॉइंट पर 10.85 दोनों साइड से आपके माइनस की वैल्यू, और सी पॉइंट पर आपके प्लस के 6.65 और डी पॉइंट पर आपके 3.35। सी पॉइंट पर आपके बी की तरफ से भी आपके 6.65 और ई पॉइंट पर आपके 3.35।
अब देखिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो अपन जो आपका स्पान है, स्पान को अपन क्या है स्ट्रेट कर देते हैं ऐसे, इधर के को इधर स्ट्रेट, इधर के को इधर स्ट्रेट। स्ट्रेट करने पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका लेफ्ट साइड में कहाँ बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैल्यू कितनी है 5.46, तो आपने कहाँ बना दिया अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव आपका कहाँ बनता है 8.85। अब देखिए 8.85 आपका क्या है पॉजिटिव है, 8.85 पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका कहाँ बनता है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव आपका कहाँ बनता है अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली माइनस का है एम एफ एम बी सी, एम बी सी पर आपकी माइनस वैल्यू, माइनस वैल्यू क्या बनेगी बीम के ऊपर, और राइट साइड में यदि आपके माइनस वैल्यू है वो बीम के नीचे। ये आपका म्यू अपॉन ए, एम नॉट अपॉन ए और एम नॉट अपॉन बी, यानी कि 100/250 और 100/250, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, क्योंकि आपका जो मोमेंट है वो क्या है आपका नेगेटिव। यदि ये जस्ट मोमेंट आपका क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज पर आपका डायग्राम रिवर्स हो जाता। नेक्स्ट है आपके स्पान वी सी, तो सी पॉइंट पर जो मोमेंट की वैल्यू है प्लस के है 6.5, 6.5 प्लस की है, तो आपके कहाँ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डी पॉइंट पर एम डी सी की जो वैल्यू है 3.3 आपके क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आपके कहाँ जाएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली आपका नेक्स्ट जो स्पान है स्पान ई सी, तो ई पर वैल्यू है आपके नेगेटिव, ई पर वैल्यू है आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव आपके कहाँ बनेगी लेफ्ट साइड में बीम स्पान के नीचे, राइट साइड में पॉजिटिव है तो स्पान के ऊपर, तो ये आपका 6.5 और ये हो गया आपका 3.5। थैंक यू।